फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो बढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10 एक्सरसाइज 13A का पार्ट 4। और पार्ट 1, 2, 3 में हम लोगों ने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 में 1.4 सेंटीमीटर व्यास वाले कंचे, यानी एक कंचा है यानी एक गोला है, इसका व्यास कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर वाले कंचों को 7 सेंटीमीटर व्यास वाले बेलनाकार बीकर में डालना है। और ये बेलनाकार एक बीकर है, जिसका व्यास है 7 सेंटीमीटर। बीकर में कितने कंचे डाले जाएं कि बीकर में पानी का तल 5.6 सेंटीमीटर ऊंचा हो जाए। तो मान लिया कि इसमें हमारे पास इतना पानी भरा हुआ है। अब हम इसमें कुछ कंचे डालते हैं तो पानी का तल ऊपर उठेगा। तो मान लिया पानी का तल इतना ऊपर उठ गया, जिसकी ऊंचाई कितनी है 5.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या करते हैं, सबसे पहले लिख लेते हैं कंचे का व्यास। कंचे का व्यास कितना दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी 1.4/2, 0.2×7/10 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आ जाते हैं बेलन पर। बेलनाकार बीकर का व्यास 7 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या 7/2 सेंटीमीटर। उठे पानी की ऊंचाई 5.6 सेंटीमीटर। अब हम लोग यहां से क्या करेंगे, दो चीजें निकालेंगे। पहले तो कंचे का आयतन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, कंचे का आयतन। तो लिखेंगे कंचे, ब्रैकेट में गोले लिख लिया, का आयतन। फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। तो 4/3 π का मान 22/7 और r का मान है 7/10। 7/10 × 7/10 × 7/10 इससे ये कट जाएगा, बाकी कुछ कटेगा नहीं, तो इसको ऐसे छोड़ देंगे। ₹22×88×49/3000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। अभी हम लोगों ने गुणा नहीं करी है। अब हम लोग क्या करेंगे, उठे पानी का आयतन निकाल लेंगे। क्या लिखेंगे, बीकर में उठे पानी का आयतन, वो कैसे निकलेगा, πr² h से। पाई का मान है 22/7, r का मान है 7/2 × 7/2, h का मान है 5.6 × 7/10। 7 से 7 कट गया, 2 से ये 11 कट गया, तो 11 × 7/56 × 10 × 20। तो अब लिखेंगे कंचों की संख्या, कंचों की संख्या कैसे निकलेगी, उठे पानी
का आयतन बटे कंचे का आयतन, कंचे का आयतन। तो उठे पानी का आयतन कितना होगा, 77 × 56 / 20 के पूरे बटे 88 × 49 / 3000। तो 77 × 56 / 20 × 3000 / 88 × 49 11 × 77 = 88 / 7 × 49 = 88 / 8 × 8 = 0 × 0 = 200 = 150। तो आंसर आ गया 150 कंचे। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। और ये था क्वेश्चन नंबर 12, और 11वां क्वेश्चन छूट गया है जो हम लोग अब देखने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, तीन धातु के ठोस घन जिनकी भुजाएं क्रमशः 3 cm, 4 cm, 5 cm को पिघलाकर एक ठोस घन बनाया गया है, इस प्रकार बने ठोस घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो देखिए, पहले घन की भुजा, पहले घन की भुजा A1 बराबर कितना दे रखा है, 3 cm। दूसरे घन की भुजा A2 बराबर कितना दे रखा है, 4 cm। तीसरे घन की भुजा A3 बराबर 5 cm। माना बड़े घन की भुजा बराबर a सेंटीमीटर। तो बड़े घन का आयतन, बड़े घन का आयतन बराबर तीनों घनों के आयतनों का योग। तो बड़े घन का आयतन क्या होता है, A³ बराबर A₁³, A₂³, A₃³। तो A³ बराबर A₁, A₁ की वैल्यू क्या है, 3 × 3 = 9, 3 × 27 प्लस 4 × 16 = 64 25 × 25 = 125। इन तीनों को जोड़ देना है, तो A³ बराबर 5 × 4 = 9, 9 × 7 = 16, यहाँ से लगा 1 × 2 = 3, 3 × 6 = 9, 9 × 2 = 11, यहाँ से लगा 1 = 216। तो A बराबर घनमूल 216, A बराबर 6 × 36 = 216, A बराबर 6 cm। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। अतः बड़े घन की भुजा 6 cm होगी। जल्दी से नोट कर लें और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि 12वां क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 13 में, एक आयताकार टैंक का आधार 11 m और 6 m है और टैंक में 5 m की ऊँचाई तक पानी भरा हुआ है। एक टैंक है, घनाभ के आकार का जिसका आधार 11 m, 6 m और ऊंचाई 5 m है, ठीक है ना, पानी भरा हुआ 5 m। तो टैंक भी हमने मान लिया कि उतना ही ऊंचा है। यदि पानी की त्रिज्या 3.5 m के बेलनाकार टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाता है, एक बेलनाकार टैंक है जिसकी त्रिज्या 3.5 cm है, तो पानी के तल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। माना पानी h ऊंचाई तक भरा हुआ है,
तो यहां पर लिख लेंगे आयताकार टंकी की लंबाई 11 मीटर, चौड़ाई 6 मीटर, भरे पानी की ऊंचाई 5 मीटर। बेलनाकार टंकी की त्रिज्या 3.5 मीटर, माना पानी टंकी में एच ऊंचाई तक भर जाएगा। तो लिखेंगे तो बेलन में भरे पानी का आयतन, भरे पानी का आयतन बराबर घनाभ में भरे पानी का आयतन। तो बेलन में जो पानी भरा हुआ है वही उसमें पानी भरा हुआ, पानी का आयतन जो है वो समान होगा। तो बेलन में भरे पानी का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, घनाभ में जो पानी भरा होगा वो क्या होगा एल बी एच, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। वैल्यू पुट कर देंगे, पाई का मान 22/7, बेलन की त्रिज्या है 3.5, ऊंचाई है h, l का मान है 11 × 6 × 5, 7×5=35, 5×2=10, 2 ग्राम। तो h बराबर कितना आ जाएगा 11 × 6 × 5 बटे की चीज गुणे में 10/11×35। एच बराबर आ जाएगा 11 से 11 कट जाएगा, 5×7=35 कट जाएगा, 6×60/7 मीटर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14 में, एक बेलनाकार भवन के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है। तो ये बेलनाकार भवन है, इसके ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, इसमें उपस्थित हवा का आयतन 41 सही, यहां लिख लेते हैं हवा का आयतन 41 सही 19/21 मीटर क्यूब है। यदि गुंबद का आंतरिक व्यास भवन की कुल ऊंचाई के बराबर हो, तो देखिए माना त्रिज्या r और व्यास 2r हो जाएगा और ऊंचाई कैपिटल H है। भवन की संपूर्ण ऊंचाई कितनी है कैपिटल H, तो अगर ये r है तो ये भी r होगा, ये r है तो ये भी r होगा। तो इस बेलनाकार भाग की ऊंचाई कितनी आ जाएगी वो भी हम लोग निकाल लेंगे। तो देखिए माना भवन की त्रिज्या बराबर r, माना भवन की त्रिज्या बराबर r, ठीक है, और हमको मालूम है कि भवन की त्रिज्या r है और बेलनाकार कुल ऊंचाई संपूर्ण ऊंचाई बराबर कैपिटल H है।
ठीक है ना। तो बेलन की ऊंचाई कैसे निकलेगी, बेलन की ऊंचाई बराबर, बेलन की ऊंचाई निकलेगी टोटल कैपिटल एच है, तो कैपिटल एच में से ये आर घट जाएगा, कैपिटल एच माइनस आर, और जो कैपिटल एच है ये जो कैपिटल एच है ये व्यास के बराबर है, व्यास कितना है 2R, कैपिटल एच क्या है 2R, तो हम यहां रख देंगे 2R माइनस आर बराबर R, ठीक है ना, 2R में से R घटा दिया। अब हमको क्या करना है, आयतन दे रखा है तो लिखेंगे हवा का आयतन, क्योंकि हवा का आयतन बराबर 41 सही 19 बटे 21, इसलिए हवा का आयतन 41 सही 19 बटे 21 को हम लोग क्या लिखेंगे, बेलन का आयतन प्लस बेलन का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन बराबर, इसको सही से लिख लेते हैं, 41 21 की गुणा कर देंगे, एक एकम एक, एक चक्कू चार, दो एकम दो, दो चक्कू आठ, 861 प्लस 19 नौ एक दस हासिल लगा एक, छः एक सात एक आठ, 880 मीटर क्यूब। तो बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या हो जाएगा, बेलन का आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा, दो बटे तीन पाई आर क्यूब बराबर आर बटे 21, 880 बटे 21 क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो पाई कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर इंटू बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई कितनी है आर, दो बटे तीन आर क्यूब, आठ सौ अस्सी बटे 21, पाई का मान 22 बटे 7 होता है, यहाँ रख देंगे 22/7 आर क्यूब प्लस 2/3 आर क्यूब बराबर 880/21, इसको इधर भेज देंगे और इसको इधर गुणा कर देंगे, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 5, 5R³/3 बराबर 880/21 गुणे 7/22, 22 × 88 और 7 × 3 = 21, 3 × 3 = 5, 5 × 8 = 40, तो R बराबर घनमूल 8, घनमूल 8 हो जाएगा, और घनमूल 8 का मान कितना हो जाता है 2, तो R का मान हमें पता चल गया 2। अब संपूर्ण ऊंचाई अगर बताना है तो H बराबर संपूर्ण ऊंचाई यानी कैपिटल H बराबर 4 मीटर, कैसे 4 मीटर आ गया, यहाँ पर दो वैल्यू पुट करेंगे, दो दूनी 4, तो संपूर्ण ऊंचाई 4 मीटर, और अगर बेलन की ऊंचाई है तो वो केवल एच है, तो बेलन की ऊंचाई स्मॉल एच बराबर, अतः बेलन की ऊंचाई 2 मीटर। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते थे। तो ये था हमारा क्वेश्चन लास्ट इस एक्सरसाइज का। तो अगर आपको मेरा बताया हुआ अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर